हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये HPTGT टैट हो गया, ठीक है, नॉन मेडिकल और मेडिकल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो है अक्सर वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हमें जो है नाइट्रोजन के कितने मोल्स चाहिए होंगे अगर हमें 8.2 मोल जो है अमोनिया के प्रोड्यूस करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो केमिकल रिएक्शन होने वाला है, ठीक है, और उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन जो थी N2 की फॉर्म में होती है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना है, तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होती है, ठीक है, बाई मोलिकुलर फॉर्म में होती है, सॉरी मोलिकुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन करते हैं जब भी, तो क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन दो है हमारे पास, हाइड्रोजन भी दो है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, तो हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए टू लगाना पड़ेगा। ईजी है ये, ठीक है, टू नाइट्रोजन थी, टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन दो हैं यहाँ पे सिक्स हैं, तो हमें दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो हाइड्रोजन होंगी उनको इक्वल करना पड़ेगा। तो थ्री टू जो सिक्स थी, यहाँ पे तो थ्री कर देंगे, थ्री टू जो सिक्स हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन का जो प्रोड्यूस करा है 2 मोल ऑफ अमोनिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूसेस बाय किसे, कितने मोल है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से हो रहा है, ठीक है, 1 मोल ऑफ N2। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है हमें 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो 1 मोल जो होगा अमोनिया का वो प्रोड्यूस होगा किससे, 1, ये 2 उधर चला गया तो 2 1/2 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 1 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। हमें 8.2 के लिए पूछा गया है, तो 1/8.2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूसेस बाय 1/2। अब जहाँ पे जितने के लिए भी पूछा होता है यहाँ पे डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 8.2 के लिए बोला है, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.1 मोल ऑफ N2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि 4.1 मोल ऑफ N2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें ये जो रिएक्शन दिया गया है इसमें हमने बताना है कि जो आयरन के कितने मोल्स होंगे वो यहाँ पे बनेंगे जब हमने रिएक्शन करवाना किसका, Fe2O3 का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स बताए हुए हैं, 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो कितने मोल ऑफ आयरन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन ये वाला, ठीक है। तो इसमें पता चल रहा है हमें कि 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल ऑफ आयरन का, ठीक है। तो हमें इसी चीज़ को उठाना है जिस चीज़ के बारे में बात करी गई उसी से हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर नीडेड टू फॉर्म, कितने हैं, 2 मोल्स ऑफ आयरन, ठीक है। तो अगर 1 मोल होता है इसका, ठीक है, यहीं से कर लेते हैं हम, यहाँ पे 3 मोल से जो है वो 3 मोल्स का यूज करके 2 मोल आयरन के बन रहे हैं। अगर 1 मोल लेते किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कितना बनता है यहाँ पे, 2/3 मोल ऑफ आयरन बनता, ठीक है। हमें कितने के लिए निकालना है, यहाँ पे 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अगर 16 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड लेते तो 2/3 × 2 कितना आ जाएगा, 16 मोल जो होगा वो आयरन का प्रोड्यूस होगा,
ठीक है। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.67, ठीक है। तो इतने मोल जो हैं वो आयरन के यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।